हेलो एवरीवन। तो राइट नाउ आज से रह गए हमारे पास 135 डेज एंड आज के कुछ ही गोल्स थे हमारे। 344 डेज आर लेफ्ट इन 2022। तो ये गोल्स था। आज है 21 जनवरी 2022। द हिंदू सुबह सुबह डन। उसके बाद मिडीवल के 60 क्वेश्चन। ये 60 से ज़्यादा ही हो गए थे क्योंकि आज मैंने सोच लिया था इसको फिनिश ही कर देता हूँ। तो मिडीवल के जो पीवाई की उसके आज मैंने इसको कंप्लीट कर दिया और ये एक तरीके से डन ही हो गया। और सी साइड नंबर थ्योरी ये भी हो गया। तो आज का मतलब हल्का ही था लेकिन सब कुछ हो गया। तो आई एम क्वाइट हैप्पी राइट नाउ। और ये मुनाल सर की जो बुक थी बहुत ही बेहतरीन बुक है। बाकी जो मैंने पीवाई की जो बुक ले रखी थी उससे ये 27 ईयर्स की और उसके बाद रिकमेंडेबल है। ये वाली बुक रिकमेंडेबल है, ऑफकोर्स रिकमेंडेबल है दिशा पब्लिकेशंस की। एंड इसमें सॉल्यूशन बहुत अच्छे तरीके से है, मतलब बहुत ही अच्छी बुक है बाकी बुक्स के मुकाबले। सॉल्यूशन भी है, मतलब ठीक है। आप इसके रिव्यूज़ यूज वीडियोस देख सकते हैं नेट के ऊपर, बट ये रिकमेंडेबल है ऑफकोर्स। बाकी बुक्स में गलतियाँ भी थी। और उसके बाद कुछ डाउट्स आ रहे थे जैसे कि सी सेट। तो मेरे पास ये जो बुक थी वाजिब राम एंड रवि की, जो मैं ORN से लेके आया था, ओल्ड राजेंद्र नगर ऑफकोर्स। एंड दिस इज ऑफ कोर्स नोट फॉर सेल और सर्कुलेशन। आई डोंट नो, पर दुकान वाले भैया ने तो मस्ती में दे दिया, कल ले जाओ। प्रिंटेड प्राइजेस लगते हैं। और ये मतलब इसके कंटेंट्स थे। अगर आपको रेफर करनी है तो मैं ये बता दे रहा हूँ। इसमें एक अच्छी चीज़ है कि हर टॉपिक के 40 से 50 क्वेश्चन अवेलेबल हैं और सॉल्यूशन बहुत डिटेल्ड है, मतलब अच्छी है अगर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए और चाहिए। बाकी तो बुक्स में मटेरियल है ही। सी सेट को लेके प्रॉब्लम क्या है कि हम सब कुछ पढ़ रहे हैं, GS में पूरा टाइम दे रहे हैं, लेकिन सी सेट को हम प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए हम सी सेट में मार खा रहे हैं। तो बस ये थे इसके टॉपिक्स। एंड अभी मैंने नंबर थ्योरी में 10 क्वेश्चन किए हैं, 10 क्वेश्चन अभी बाकी हैं। और ये ऐसे ऐसे अंदर सॉल्यूशंस ऐसे हैं, पूरे डिटेल्ड हैं, मतलब सेल्फ रीडिंग से समझ में आ जाते हैं, बुक्स में नहीं है इतने डिटेल्ड। और ये था शॉप का एड्रेस ऑफकोर्स, रीड बेस्ट टॉपर्स चॉइस बी द बेस्ट। ये है कुमार बुक सेंटर KBC की टैगलाइन। एंड IS PCS स्टडी मटेरियल जो भी है, ये फ़ोन नंबर और ये जो भी है, मतलब ऐसे ये कोई वो वाली वीडियो नहीं है जो प्रोमोटेड या जो भी है। ये बस सी साइड के मटेरियल और रिसोर्सेज को लेकर थोड़ा डाउट था, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बना रहा था। तो ये बुकलेट नंबर 3। कई सारी बुकलेट थी वहाँ पे, तो लेकिन मुझे बस ये प्रैक्टिस करना था। अगर ये हो जाएगा, जरूरत पड़ेगी तो आगे देखेंगे है या नहीं है, उसके बाद मॉक लगाएंगे। एंड मॉक लगाइए इतना करने के बाद, ये बेयर मिनिमम है। और ये था आज का कोट, सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा। इट इज ईजियर टू सी द मिस्टेक्स ऑन समवन एल्स पेपर, अर्थात किसी और के कागज पर गलतियां देखना बहुत ही आसान है। और सी सेट के लिए अगर डेली आपको 5 से 10 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करनी है तो इनसाइट IS जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये इनसाइट का डार्ट है, इनसाइट डार्ट सीरीज पे, मतलब डेली कुछ अच्छा ही इसका फुल फॉर्म था, मतलब ये है डेली यहाँ पे ना 5-10 क्वेश्चन आते हैं, प्रैक्टिस कीजिए, स्कोर लिखिए एंड बस बहुत है सी सेट। अभी बस डेली 1.5 से 2 घंटा प्रायोरिटाइज करके फर्स्ट शेड्यूल में सी सेट को देना है। मैंने सोचा है कि मार्च अप्रैल से यही करूँगा, अगर मेरे नंबर फिर भी इम्प्रूव नहीं हो रहे तब। अभी मैं थोड़ा 10-10 क्वेश्चन 15-15 क्वेश्चन ले कर रहा हूँ। तो बस ये था, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। आज का दिन 135 डे। मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड, लगे रहिए, प्रिपेयर करते रहिए। ओके बाय।